आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। स्थानीय ग्राम कोदरिया श्री गणेश कोल्ड स्टोरेज में चल रहा 8 दिवसीय श्री शिव महापुराण के 5वें दिन भोले बाबा का विवाह प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार शिवजी और पार्वती माता का विवाह हुआ था। कथावाचक कृपराज महाराज ने भोले बाबा के भजन प्रस्तुत किए जिसमें पंडाल में मौजूद भक्तों ने जमकर झूमे और शिव विवाह का आनंद लिया। इस दौरान तहसील के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार भी जमकर झूमे। आयोजनकर्ता विजय पाटीदार भूत और संजय शर्मा मामा ने बताया कि ब्रह्मलीन कैलाश चंद पाटीदार भूत और ब्रह्मलीन रामचंद शर्मा मामा की स्मृति में यह आयोजन 8 दिवसीय किया जा रहा है। 25 फरवरी शुक्रवार को शाम 7:30 बजे भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। आयोजनकर्ता ने बताया कि यह आयोजन 21 फरवरी से 28 फरवरी तक सतत चलेगा। अंत में भंडारे का आयोजन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजन में भक्तों में उत्साह दिखाई दिया और प्रसादी का वितरण किया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। जो एक भूत परिवार और मुकादी परिवार, विजय भूत के पिताजी और मेरे पिताजी रामचंद्र जी शर्मा, मामा सुब्रमलीन, ब्रह्मलीन कैलाश चंद जी भूत, उनकी जो मित्रता थी वो एक मिसाल थी। और वो मित्रता आज भी उनके ना होने के बाद भी वो मित्रता के रिश्ते, जो पारिवारिक रिश्तों की एक कड़ी जुड़ी है, वो कड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। उनकी स्मृतियाँ, उनके किए हुए अच्छे कार्य और उनकी जो प्रतिदिन के हमारे कार्यों में उनकी जो स्मृति रहती है, वो स्मृति हमेशा रहती थी। उसका एक विचार था विजय भूत और हमारा कि अपन ऐसा कुछ करें कि जो उनका दोनों का नाम अमर हो। इससे उसमें उन दोनों मित्रों की स्मृति में ये श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है जो 28 तारीख तक चलेगी। इस आयोजन में खाटू श्याम संध्या भी हुई है और आज शाम को माता रानी का जगराता भी है। आज शक्तिपीठ की स्थापना हुई है, पंडाल में शिव पार्वती विवाह हुआ है और शाम को माता रानी जगराता और 28 तारीख को विशाल भंडारा है। कितने दिवसीय? 8 दिवसीय है जिसमें शाही सवारी भी निकाली गई है। महाराज जो है जोधपुर के हैं, जो बाल ब्रह्मचारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, जो उनका एक बड़ी उपाधि है उनके पास और बचपन से बाल ब्रह्मचारी है और जो किसी तरह कोई दक्षिणा नहीं लेके सिर्फ भगवान के भजन गाते हैं। संजय शर्मा मामा।